हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मैं हेल्थ से रिलेटेड, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ अलग अलग बीमारियों के। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्ने। एक्ने को पिंपल्स भी बोलते हैं या चेहरे पर फुंसियाँ हो जाना, जो चेहरे पर फुंसियाँ हो जाया करती हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे और उसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथी से कैसे ठीक करते हैं, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, फुंसियाँ क्यों होती है, हमारे चेहरे पर फुंसियाँ क्यों होती है? तो ज़्यादातर जवान व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ होती है क्योंकि जब कोई व्यक्ति एडल्ट एज में आता है तो उसके चेहरे पर फुंसियाँ हो जाया करती, या हमारे चेहरे पर या हमारी स्किन में छोटी छोटी सीबेसियस ग्लैंड्स हुआ करती है, उनसे पसीना आदि स्त्राव निकला करते। जब यह स्त्राव निकलना बंद हो जाते हैं किसी कारणवश, तो यह वहाँ पर इकट्ठा होने लग जाते हैं, जिससे कि छोटी छोटी फुंसियाँ या उभार बनने लग जाते हैं, उन्हीं को हम एक्ने, पिंपल या फुंसियाँ कहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि एक्ने, पिंपल से निजात दिला सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज जो है सबसे अच्छी और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर शुरुआती कंडीशन में, शुरू में ही आपको पिंपल्स निकल रहे हो या आपके चेहरे पर फुंसियाँ हो रही हो, तो होम्योपैथिक जो कार्बोवेज मेडिसिन है, कार्बो वेजिटेबल्स, वह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, काली ब्रोम। जो पुराने रोग हो गए हैं, पिंपल्स काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक हो भी जा रहे हैं तो वापस आ जा रहे हैं, तो इसमें दोस्तों काली ब्रोम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसको या तो 3x पोटेंसी में लेना है या 30 पोटेंसी में लेना है। 3x पोटेंसी की इसकी टेबलेट आती है, दो दो गोली दिन में 3 बार लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और या फिर आपको 30 पोटेंसी लेना चाहिए, जो कि दो दो बूंद दिन में 3 बार टंग पे लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन आती है एसिड फॉस, ये इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। दोस्तों, यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही असरकारक, बहुत अच्छी मेडिसिन है एक्ने, पिंपल्स वगैरह के लिए। दोस्तों, मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट्स को यह मेडिसिन देता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, यह किन व्यक्तियों पर सूट करती है, किन व्यक्तियों को यह ज़्यादातर दी जाती है? तो दोस्तों, जो एसिड फॉस मेडिसिन है, वह दुबले पतले व्यक्तियों को, जो कि दुबले पतले हैं, लंबे हैं और उनमें पिंपल्स आ रहे हैं, तो दोस्तों यह मेडिसिन उनमें बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, दो दो बूंद दिन में 3 बार टंग पे डायरेक्टली ले सकते हैं, या एक चम्मच पानी में भी डाल के ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, बेलाडोना। बेलाडोना के जो पिंपल्स होते हैं, सबसे पहले हम बेलाडोना के पेशेंट की बात करते हैं कि बेलाडोना का मरीज कैसा रहता है। तो दोस्तों, बेलाडोना एकदम मोटा तगड़ा सा, एकदम हेल्दी पेशेंट रहता है और बहुत ही कह सकते हैं कि उसकी स्किन लाल प्रकार की रहती है, मतलब कि उसकी मतलब खून भरी हुई स्किन रहती है, बहुत ही ब्लडी पेशेंट होता है उसके अंदर, बहुत मोटा तगड़ा और बहुत हेल्दी पेशेंट रहता है, तमतमाया हुआ पेशेंट रहता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर फुंसियाँ हुआ करती है, और ख़ासकर इसकी फुंसियों, या ये बेलाडोना है, फोड़े फुंसियों में बहुत अच्छा वर्क करती है। वो कैसे फोड़े फुंसियाँ, बहुत ही लाल प्रकार के, मतलब कि एकदम लाल, पके नहीं हो, उनमें पस नहीं भरा हो और वह लाल, एकदम लाल दिखते हो और बहुत ही दर्द करते हो, वहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो बेलाडोना को भी 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग पे लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, पल्सेटिला। पल्सेटिला दोस्तों, पल्सेटिला जो मेडिसिन है, वह बहुत ही शांत प्रकार के, बहुत ही सहज व्यक्तियों पर बहुत अच्छा वर्क करती है। पल्सेटिला की जो पेशेंट्स रहते हैं, ज़्यादातर यह फीमेल्स पर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी फीमेल्स बहुत ही शांत प्रकार की, बहुत सहज प्रवृत्ति की रहती है और एकदम बोल सकते हैं कि रोने की प्रवृत्ति रहती है इस पेशेंट की, कि बात बात पे रो देती है या अपनी कंप्लेंट बताते बताते रो देती है। और दूसरी बात, अगर उसमें मासिक
की गड़बड़ी है, उसके पीरियड डिस्टर्ब चल रहे हैं, इररेगुलर चल रहे हैं, जिसके कारण उसको एक्ने पिंपल्स वगैरह की या और कोई समस्या आ रही हो, तो दोस्तों पल्सेटिला बहुत ही असरकारक मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हैं या 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार या वीकली 1 बार ले सकते हैं डायरेक्टली टंग पर। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर। दोस्तों यह बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ज़्यादातर एक्ने पिंपल्स वगैरह के लिए, या बोल सकते हैं कि यह चेहरे के किसी भी प्रकार की समस्या हो, चेहरे पर पिंपल्स हो या दाग धब्बे हो, तो दोस्तों बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इससे आपकी स्किन एकदम चमक उठती है और आपके चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। तो दोस्तों इसका मदर टिंचर आपको लेना है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे ग्लास पानी में या आधे से 1 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना है और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर ग्लो आ गया है, आपके चेहरे पर निखार आ गया है। इसके साथ में दोस्तों आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम का ऑइंटमेंट्स भी आता है, क्रीम भी आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर और बर्बेरिस एक्वाफोलियम की क्रीम ये आपको लेना है और क्रीम लगाना है, मदर टिंचर को पानी में डाल के पीना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जो एक्ने पिंपल्स है वह धीरे धीरे करके गायब होने लग जाते हैं और आपके चेहरे पर निखार आने लगता है। तो दोस्तों ये थी एक्ने पिंपल्स के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत असरकारक मेडिसिन है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जिससे कि आपको कोई परेशानी उठानी पड़े। दोस्तों यह थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।